शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं से सीजीआई ने सवाल किया है कि परीक्षा आखिर रद्द क्यों होनी चाहिए। इसके साथ ही सीजीआई ने कहा है कि आप हमें कारण बताकर संतुष्ट करें। याचिकाकर्ताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि पिछली 5 मई को नीट एग्जाम की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसके बाद 67 टॉपर्स आने के बाद ये परीक्षा विवादों में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, पिछले कई दिनों से ये विवादों में है और आप बताइए कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप हमें बताइए कि अपने पक्ष रखिए और हमें संतुष्ट करिए कि आखिर नीट की परीक्षा क्यों दोबारा से होनी चाहिए, इस खबर पर अभी आपके पास क्या अपडेट है? निश्चिंत, देखिए, जिस तरह से नीट के मसले को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी चर्चाएं चल रही हैं, इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन नीट से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि इस मामले पर उनको उचित न्याय मिले। और जिस तरह से नीट यूजी से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की जो बेंच है वो इस मामले में सुनवाई कर रही है। और तकरीबन 11:30 बजे ये सुनवाई आज प्रारंभ हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से एसजी ने कहा था कि इस मामले में कि सीबीआई ने इस मामले में एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, और हालांकि इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने वो स्टेटस पढ़ा है। देखिए, जिस तरह से नीट से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और उन तमाम तफ्तीश की प्रक्रियाओं के बाद उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट जो है जिस तरह से बकायदा सरकार के द्वारा दाखिल किया गया है उस मामले को लेकर आज सबसे पहली जो बहस जो है वो शुरू हुई। और इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो हमें अभी तक नहीं दिया गया है, तो मुझे पता ही नहीं है कि उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस मसले पर सुनवाई के दौरान में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है, सीबीआई ने जो हमें बताया है अगर वो सार्वजनिक होता है तो लोग जो उस मामले में जांच के दायरे में है, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो जांच एजेंसी के आधार पर है, वो सावधान हो जाएंगे, इसलिए उन तमाम मसलों को अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से याचिकाकर्ता वो चाहते थे कि इस मसले पे वो स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी उन्हें भी दी जाए जिससे कि इस मामले पर स्टेटस पता चल सके, लेकिन देखिए लगातार जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से जांच एजेंसी लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है तो फिलहाल उस मामलों पर जानकारी देना अभी उचित नहीं होगा, तो इस मामले को भी कोर्ट के सामने मुकदमा बताया गया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक और ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें संतुष्ट कीजिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और परीक्षा ये रद्द होनी चाहिए, तो इसकी जो बुनियाद है वो मुझे आप बताइए, उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दूसरी, इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वो भी मुझे बताइए, जिसके बाद हम एसजी को सुनेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक वक्त दिया गया और उनको ये कहा गया कि इस मामले में आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि क्योंकि आपने इस मामले में याचिका दायर की है तो याचिका दायर करने का जो आधार है उन तमाम मसलों को रखना होगा और मुझे आप संतुष्ट कीजिए कि पेपर लीक जो है बड़े पैमाने पर हुआ है, बड़े पैमाने पर उससे लोग प्रभावित हुए हैं, स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, वो हमें आपको बताना होगा। इसके साथ ही जांच की दिशा क्या होनी चाहिए, आपको क्या चाहते हैं, किस लेवल में आप इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन का लेवल आप चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के द्वारा ये कहा गया कि एनटीए ने तकरीबन 100 लोगों का रिजल्ट घोषित किया जबकि दूसरी परीक्षाओं में पूरे रिजल्ट घोषित होते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसे कोर्ट में आज सुना गया। चीफ जस्टिस ने पूछा हालांकि कि सरकारी कॉलेजों में कितनी सीट होती हैं और याचिकाकर्ता के द्वारा फिर उसमें बताया गया कि तकरीबन 56,000 सीटें होती हैं और समझा जा सकता है कि नीट का एग्जाम और उससे जुड़ा हुआ यह मामला कितना बड़ा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के द्वारा वो हर एक पॉइंट को कोर्ट के सामने आज रखने का प्रयास किया गया जिसको आज कोर्ट काफी गंभीरता से तमाम मसलों को सुन रही है और सीबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा जो वकील हैं वो उन तमाम मसलों को भी बकायदा रख रहे हैं। और जी बिल्कुल शंकर आनंद, सही कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं को एक थोड़ा समय दिया गया है, हर एक पॉइंट को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इसमें सही फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।